माँ जी आज तुसी की कर रहे हो? पुत जी अज आप ना जिहड़े अपने पित्तल दे भांडे आ है ना आप चाह बनाउणे आ इन्हां दे विच देख के किन्ने गंदे हो जांदे आ ना इन्हां दे उपर जम जम के जिद्दां आपां जिन्हां भांडे मांजदे आपां साबणा नाल उहदे नाल ही साफ नहीं हुंदे आ ना। पहलां जिहड़े पुराणियां आपणियां दादियां बेबियां हुंदियां सीगियां है ना उह इन्हां नूं ना सवाह नाल मांजदे हुंदे सी। जिहड़ी चुल्हे दी सवाह हैगी देखो किन्नी गंदी होई पई आपणी प्रांत वी है ना। हांजी ते आह डोंगे वी है ना इहनूं आपां साफ करन वास्ते इक बहुत ही वधिया तरीका लै के आए आ। जिहड़ी अपनी खट्टी लस्सी हुंदी है ना आपां पिंडां दे विच देख आम खट्टी लस्सी रिड़कदी आ रोज़ हाँ जी हाँ। जां फिर दही भी लै सकदे आपां वो जिहड़ी खट्टी लस्सी है ना उहदे नूं ना इहदे उपर इदां सारे दे उपर लगा के रख दो। देखो तुसीं देख रहे हो ना देखो लगाउण दे नाल ही देखो किन्नी सोहणी हो रही है ना देखो किन्ना साफ हो रहा। इह वी इक ट्रिक है जिहड़ी आपां नूं आपदे वड्डिआं तों सिखणी चाहीदियां ने। देख जे अपने को लस्सी नहीं हैगी तो आप थोड़ी जी दही लै लो है ना दही में पानी के पा के जिन्हें भी अपने पित्तल के भांडे आ ना उन्होंने उपर इदा लगा दो। बस इन दो चार मिनट ही लगा की लौड़ है ए लगा के दो चार मिनट इनू आप छड़ दो। जेडे अपने पुराने बजुर्ग सी है ना वह पित्तल दे सोने दे चांदी दे भांडिया च खाना खाते थे क्योंकि ये अपने शरीर वास्ते बहुत ही जरूरी ने। इस तरह आप पित्तल दे तांबे दे लोहे दे ना किसी भी भांडे को साफ कर सकते हैं ये उत्ते मेहनत भी नहीं आती ज़्यादा अपन रगड़न की लड़ भी नहीं। जिदा हूँ तेरे दीदी ने ना उदा दुड़िया देख भांडे मांजन तो कि कर दया ने भी सानू हाई गंदे हाथ हो गए बस इदा ना ऐ लगा के रख दो ये नाल हाथ भी साफ होंगे तो ये खाने करके कैमिकल भी नहीं है देखो किन्ना वधिया ये इदा आप लगा देंगे ना 5 मिनट लिए रख देने। देखो किन्ना गंदा देखो अपना यह होया पे ना ये किसी भी चीज़ के नाल इंदा साफ नहीं होंगे जिन्ना ये होंगे। वैसे तो बाजार में साफ करने वाली होर भी बहुत चीज़ें मिल जाती ने पर वो कैमिकल ने जिदे नाल वो जो आप फिर चाह बनाने दुध गर्म करते हैं वो अपने शरीर के जाते हैं। हाँ जी बेटा देखो हूँ आप 5 मिनट हो गए ने इन्हों रखे आप इस भांडे मार दें स्टीक थोड़ा थोड़ा आप इस इदा कर देंगे कढ़ाई कर देंगे हाँ ज़्यादा जोर ना नहीं बस आ हाथ ना साफ कर देंगे। इस तरीके अगर आप सफाई करा तो आप पित्तल के भांडिया के खाना बना सकेंगे क्योंकि पित्तल का भांडा ज़्यादा जल्दी गंदा होंगे। हूँ तो डॉक्टर भी कहते हैं कि लोहे के पित्तल के भांडिया के खाना खाओ। हम देखो आप देखो चाह बनावांगे दुध गर्म करके पीवांगे तो अपनी सेहत वास्ते भी बहुत वधिया सारे सानू जो एलूमीनियम के भांडे हैं उन्होंने बंद करके पित्तल के लोहे के भांडे खाना चाहिए ये बीमारियों तो बहुत ज़्यादा छुटकारा मिलता। साड़ी इदा की यह ट्रिक तुहानू पसंद आई तो तुसीं साफ करके जरूर सानू कमेंटिंग करके दस्यो भी तुहाडे बर्तन भी इदां साफ हो गए जिदा साढ़े हुए ने। तब तक लिए धन्यवाद।